बद्रीनाथ समूह से 8 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी करने के प्रकरण में गणेशपेट पुलिस ने ग्लोबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों में जीएल कंपनी और उसके तत्कालीन निदेशक निवृत्त मेजर जनरल नारायण सिंह पठानिया, मिखाइल हरिधौल समावेश है। बैद्यनाथ समूह की कंपनी सिद्धायु आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के लीगल मैनेजर श्रीपाद मोहरील की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। श्रीपाद ने अपनी शिकायत में बताया, उनकी कंपनी द्वारा आयुर्वेद दवाओं और पवन चक्की के माध्यम से बिजली निर्मित की जाती है। 2009 से 10 में नंदुरबार के मौजा चाकला में उनकी कंपनी द्वारा 9 पवन चक्की लगाकर बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। यहां पैदा होने वाली 12.85 मेगावाट बिजली राज्य सरकार की व्यवस्था के अनुसार बेची जाती है। यहां की बिजली बेचने के लिए सिद्धायु द्वारा ग्लोबल एनर्जी के साथ करारनामा किया गया था, जिसकी समय अवधि वर्ष 2020 तक थी। जीएल कंपनी उनसे 4.05 रुपए में बिजली खरीद कर बाजार में बेचने वाली थी। मार्च 2014 तक जीएल के मार्फत ही बाजार में बिजली बेची गई। इसके बदले सिद्धायु को 31,81,00,000 रुपए जीएल से लेने थे। जीएल ने 30,43,00,000 रुपयों का भुगतान कर दिया, बाकी बचे 1,37,00,000 रुपए नहीं दिए गए। करार के अनुसार पेमेंट में देरी होने पर प्रतिमाह 2% ब्याज तय हुआ था। इसके अनुसार मुद्दल और ब्याज मिलाकर यह रकम 4,99,00,000 रुपए हो गए। पेमेंट में लगातार देरी होने के कारण वर्ष 2014 में करार रद्द कर दिया गया। शर्त के अनुसार लेटर ऑफ क्रेडिट के 2,34,00,000 रुपए और उस पर ब्याज 70,21,000 रुपए ऐसे कुल 8 करोड़ रुपयों का चुना लगाया गया। श्रीपाद ने अपनी शिकायत में बताया कि जीएल कंपनी द्वारा इस तरह से कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। त्याचा अपराध क्रमांक आहे 392/21, कलम आहेत 406, 409, 420, 120 व 22। तर प्रकरणाची हकीकत अशी आहे की गणेशपेठ पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये बैद्यनाथ स्क्वेअरला बैद्यनाथ कंपनी आहे, त्या कंपनीचा आणि ग्लोबल एनर्जी म्हणून एक कंपनी आहे, या कंपनीचा 2010 साली एक करार झाला होता। त्या कराराच्या अनुषंगाने मौजा चाकला तालुका जिल्हा नंदुरबार येथे पवनचक्की उभारण्यात आल्या होत्या आणि त्याच्यानुसार त्यातून इलेक्ट्रिक वीज निर्मिती केली जात होती आणि त्यामध्ये जो होणारा नफा आहे तो दोन्ही कंपन्या वाटून घेणार होत्या असा करार झाला होता। परंतु जी पुढची कंपनी आहे ग्लोबल एनर्जी कंपनी, त्यांनी त्यांचा नफा काय तर दिला नाही 2012 पासून ते आत्तापर्यंत, म्हणून त्यांची नफा न दिल्यामुळे फसवणूक केली आणि त्या फसवणुकीच्या विरोधात ही जी कंपनी आहे बैद्यनाथ कंपनी सिद्धायु आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंडेशन लिमिटेड प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी कोर्टामध्ये गेली आणि कोर्टाच्या आदेशाने कलम 156 प्रमाणे कोर्टाच्या आदेशाने सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये जी अमाऊंट आहे ती अमाऊंट जास्त असल्यामुळे सदरचा गुन्हा हा गणेशपेठ पोलीस स्टेशन तपास करत आहे, परंतु तो पुढे वर्ग होईल असं वाटतं। फसवणूक झालेली रक्कम अंदाजे 8 करोडच्या आसपास आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।